शिवांश, हम लोग मेडिटेशन करके फिर आपके शुभ शांति, थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक प्ले कर दो जो मैंने भेजा है ना आपको बैकग्राउंड में। जी, मैं अभी कर देती हूँ। यस सभी बिल्कुल सीधा होकर बैठे, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, रिलैक्स्ड, शिथिल, और स्थिर। सभी अपने ध्यान को सॉफ्ट मेडिटेशन म्यूजिक पर ले जाएं। सभी चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट ना हो, जॉ शुड नॉट बी टाइटेंड अप, रिलैक्स फोरहेड, योगी जब योग करने बैठता है, चार प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है वो राजयोग मेडिटेशन में। जो ब्रह्मकुमारी द्वारा पूरी दुनिया में सिखाई जाती हैं, 154 कंट्रीज में। पहली पहली अवस्था, साधक जब योग लगाने बैठता है शरीर को सीधा, स्थिर और शिथिल रखकर धीरे धीरे शरीर स्थिर होते ही सांसें मंद होने लगती हैं और मन के विचार जो सांसों से संबंधित होते हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं। थोड़े ही समय के बाद साधक का मन शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। यहीं से ही राज्यों की दूसरी अवस्था में साधक पहुंच जाता है, जिसको कहा जाता है सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन। राजयोग मेडिटेशन कहता है कि देह और देह के सारे संबंधों को भूल, तो स्वयं परमात्मा आकर सिखाते हैं हमें, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, निराकार।
देह और देह के सारे संबंधों को भूल, स्वयं को, अपने आप को मुझ में लगा, मन मना भाव, इसको कहा जाता है सभी अभ्रकुटि के मध्य में अपने सत्य स्वरूप को देखें कि आप शरीर नहीं लेकिन शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, पावर, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, थॉट्स, सभी विजन बनाए स्थूल शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति, लाइट और माइट, बिंदु रूप ज्योति का स्वरूप देखें सभी, फील करें, सोल कॉन्शियसनेस में आते ही हल्के होने लगते हैं हम, ये आकर्षण कम होने लगता है, और अब तीसरी अवस्था है राजयोग मेडिटेशन की कि अपने सत्य स्वरूप को, बिंदु रूप को, बिंदु रूप में हम सभी आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा, जिनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट करना, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है, सभी आत्माओं के पिता, विजुलाइज करें, सभी फील करें। अब मैं परम धाम में, आत्माओं के देश में, सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में सामने है ऑलमाइटी अथॉरिटी, और बिल्कुल ही करीब, समीप और समान हूं मैं आत्मा। विजुलाइज करें सभी, एनर्जेटिक कॉन्टेक्ट हमारा हो चुका उस परम शक्ति से, जिनके अनंत असीम बेशुमार किरणें, शक्तिशाली किरणें, मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में मस्त गुणों के साथ ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, सभी के सभी आत्मिक गुण परमात्मा के सानिध्य में, किरणों में हमारे कनेक्ट होते ही हमारे वो सारे गुण, आत्मिक गुण इमर्ज होने लगते हैं, फील कर। अब चौथी अवस्था राजयोग मेडिटेशन की, जहां आत्मा परमात्मा के सानिध्य में उनकी शक्तिशाली शांति और आनंद की किरणों के नीचे एक फवारे की तरह, एक फाउंटेन की तरह चारों तरफ फैली हुई ये किरणें
इन ग्रहणों के सानिध्य में साधक अपने आप को अतिनित सुख और परम आनंद की अनुभूति करता है। यही राज्यों की अंतिम स्थिति स्पिरिचुअल प्लस अतीन्द्र सुख और परम आनंद की अनुभूति साधक मेडिटेटर योगी अनुभव करता है। फील करें सभी सेंस ऑफ जॉय ब्लिस प्यूरिटी प्लेजर लव पावर एंड ब्लिस। यस ओम शांति। सबसे पहले शिवांश कुछ सवाल करना चाहते हैं मुझसे, उनका सवाल का जवाब देने के बाद हम जाएंगे आज के सेशन की तरफ कि आखिर संबंधों में कौन से वो बोझ हैं, कौन सी वो पीड़ाएं हैं, कौन सी वो वेदनाएं हैं, चाहे पेरेंट्स के साथ में, हस्बैंड के साथ में, बच्चों के साथ में, बहू के साथ में, क्यों वो लगेज लेकर हम जिंदगी में कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे रुकावटें हम अपने जिंदगी में खड़ी कर देते हैं। किस रूप में समझेंगे हम शिवांश? यस बताइए आपको क्या क्या पूछना है आपको। ओम शांति सर। सर मैंने मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद की जो ऑटोबायोग्राफी है या गौतम बुद्ध के बारे में जो पढ़ते हैं तो उनकी लाइफ में मतलब उन्होंने स्पेशली यूथ के लिए बहुत ज्यादा ये फोकस किया है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए सेलिबेसी का। तो अब ब्रह्मचर्य का पालन सर क्यों करना चाहिए और मतलब ये यूथ को क्यों करना चाहिए, केवल यूथ के लिए है या मैरिड लोगों के लिए भी है? तो लेकिन सर ये ब्रह्मचर्य का ये है कि जैसे घर में हम लोग को कभी इस बारे में बताया नहीं गया कि ब्रह्मचर्य क्या है, जैसे पेरेंट्स नहीं बताते हम लोग को कभी, या मेडिकल साइंस में भी अगर हम लोग जाएं तो उसमें भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन जो सेंट्स हैं जो मतलब कॉन्शियसनेस के बहुत हाई लेवल पे पहुंचे हैं उन्होंने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा मतलब फोकस होकर के बोला है कि ये मतलब लाइफ में आपके होना ही चाहिए। तो मतलब ये चीज सही है या गलत है, इसी चीज के बारे में सर क्वेश्चन था मेरा। जी वेरी गुड मिडिल क्वेश्चन। देखिए हर धर्म के गुरुओं ने, महात्मा गांधी ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था, आपको मालूम है राइट। ब्रह्मकुमारीज में एक आधार है राजयोग मेडिटेशन का ब्रह्मचर्य, लेकिन हम क्लियरली बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ सेक्सुअली अपार्ट रहना, मतलब प्यूरी प्यूरिटी उसको नहीं कहते हैं फिजिकल लेवल पर। लेकिन हमारा जो है हर सोच हर शब्द और हर कर्म में भी अगर प्यूरिटी नहीं है, संपूर्ण पवित्रता किसको कहते हैं, जहाँ थॉट वर्ड एंड एक्शन आल्सो आर देयर इन द प्योर फॉर्म राइट। अभी क्या है ये हम क्यों कहते हैं राजयोग मेडिटेशन में, क्योंकि हम है ना अपने देह के भान को ही भूलना चाहते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि देह और देह के सारे संबंधों को भूल, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। स्वयं अवतरण रूप में भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं साधारण तन में आता हूँ और कोई में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचान पाता है। दोज लकी अबाउट 10 लाख पीपल जो वर्ल्ड वाइज प्रभु का ज्ञान लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, शुद्ध अन्न पर चलते हैं और दिव्य गुणों की धारणा, ये चार आधार है राजयोग मेडिटेशन के राइट। अभी समझो कोई व्यक्ति सेक्सुअली अपार्ट रहता है, स्तन से
मतलब उस एक्ट में नहीं जाता है। लेकिन अगर स्वर्ग स्वप्न में भी अगर आपको वो थॉट्स आते हैं और आपकी पवित्रता भंग होती है, वो भी प्योरिटी पूरी तरह नहीं कहलाई जाती है। इसलिए हमारे यहाँ और भी है कि हम जो ज्यादा उत्तेजना को बढ़ाते हैं सेक्सुअल अराउजल को, वो है कांदा और लहसुन, ये भी हमारे वर्जित है। अब देखें जहाँ भी ये इवन कई अभी जब गणपति के दिन है, जो हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में बहुत जोरदार चल रहा है त्यौहार, ये वहाँ भी भोजन बनाते हैं ना, तो वहाँ पर इन दिनों में ये सब चीजें नहीं यूज करते हैं, जैसे कांदा लहसुन है, क्योंकि उसको भगवान को भोग लगा के फिर वो प्रसाद बांटते हैं। तो भोग जब देवता के आगे लगाते हैं तो भोजन शुद्ध होना चाहिए, जो भी हम सामान रख रहे हैं भोग में, राइट। अभी आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं आउट ऑफ दिस, क्योंकि सेलिब्रेसी ऑब्जर्व करना, क्योंकि लोग है ना अपने लस्ट के लिए, अपने लस्ट के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। और हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि जिसके जिसको ज्यादा काम वृत्ति होती है ना, उसकी कामनाएं भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई रहती है। काम विकार कामनाओं को जागरूक करता है, उत्तेजित करता है, और फिर व्यक्ति उसमें फंसता चला जाता है। सेकंड नंबर पे आता है क्रोध। तो कई कई योगा के सेशंस में कई हमने बताते हैं, जैसे रामदेव महाराज है, वो भी सेलिब्रेसी अटेंड मतलब सेलिब्रेट रहा है थ्रू आउट लाइफ, शादी अगर नहीं की है। तो हमारे यहाँ भी संयम में रहने को सिखाया जाता है, और वो हमारा एक फंडामेंटल आधार है राजयोग का, राइट। लेकिन वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। संपूर्ण पवित्रता मतलब देखिए ब्रह्मचर्य मतलब सेक्सुअली अपार्ट रहना, लेकिन हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है, ब्रह्माचर्य, ब्रह्मचर्य और ब्रह्माचर्य, ब्रह्मा के समान जिसका आचरण होता है ना, वही सही मानों में प्योर या परफेक्ट डेफिनेशन मानी जाती है, किसकी, प्यूरिटी की, शुद्धता की। आपको कुछ और क्लियरेंस चाहिए इसमें? यस प्लीज सर, क्लियर तो हो गया है, लेकिन जैसे जो ब्रह्मचर्य है इसका सर इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे क्या जो लोग अध्यात्म के मार्ग में आगे आना चाहते हैं उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है, या जो आध्यात्मिक नहीं है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है? नहीं नहीं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो क्या होता है, जो लोग भले समझो फिजिकल योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसे चक्रास खुलते हैं, राइट, और नीचे के जो लोअर चक्रास हैं मूलाधार और सेकंडरी स्वाधिष्ठान, राइट, जो लोग ज्यादा इस लस्ट में रहते हैं ना, वो लोअर चक्रास में रमण करते हैं, और फिर उनकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए हमारी शक्ति जो कुंडलनी कहाँ होती है, मूलाधार में, और कुंडलिनी को जब भी हम एक्टिवेट करते हैं साधना के द्वारा, तो कुंडलिनी की टेंडेंसी क्या है, वो जागरूक होकर ऊपर के चक्रास में फ्लो होती है, राइट। ऊपर के चक्रास में जब कुंडलिनी यहाँ पर आती है, यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में, तो वहां हम क्या बताया जाता है कि यहाँ पर एक लालना चक्र होता है, जहां पर एक घड़े में अमृत होता है। वो घड़ा भी है ना ऐसा, जैसे अमृत हम करते हैं सुबह को मेडिटेशन, तो घड़ा भी ऐसा उल्टा हो जाता है, तो वी get the nectar from that। तो purpose क्या है कि अगर हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो हमारे काम अग्नि की वजह से वो मतलब वेस्ट हो जाती है, उसी को ही अगर हम मेडिटेशन करते हैं ना, इट कैन बी टेकन फॉर द हायर कॉन्शियसनेस इन द हायर अपलिफ्ट मींस, बराबर। लेकिन हमारे यहाँ पर बताया तो जाता है, लेकिन उसके साथ में प्यूरिटी नॉट ओनली ऑफ द बॉडी बट ए प्यूरिटी ऑफ द माइंड, वर्ड्स एंड एक्शंस ही उसको संपूर्ण माना जाता है। और बाकी अगर आपको कुछ प्राइवेट पूछना है मुझसे ना, देखो बात करके पूछना है, जनरल जो रिप्लाई मैं दे सकता था, आई हैव गिवन यू। सेलिब्रेसी इज द बेसिस ऑफ ऑल द स्पिरिचुअलिटी, बराबर। जितना ज्यादा हम काम विकार में जाते हैं उतना हमारा देह का अट्रैक्शन बढ़ता है, नष्ट बढ़ती है, और फिर कामनाओं को जागरूक करती है, और कामनाएं जिसकी ज्यादा जितनी ज्यादा होती है उतनी खुशी उसके जीवन में कम होती चली जाती है। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल अ पर्सन हु इज सेलिब्रेट। क्यों हम ब्रह्मचर्य में ही हम पढ़ाई करते हैं, क्यों कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, शादी के पहले सब हम पढ़ाई क्यों करते हैं, उसमें व्यक्ति शादीशुदा नहीं होता है, नेचुरली वो सेलिब्रेट रहता है, तो उस समय जो उसका कंसंट्रेशन पावर है, उसकी जो मेमोरी पावर है, क्योंकि
उसकी जो जो एनर्जी नीचे के चक्रास में फ्लो फ्लो होती है या फिर वो उस उत्तेजना में एनर्जी वहां लॉस हो जाती है, उसको हम साधना करके वी कैन राइज दैट एनर्जी टू द अपर चक्रास फॉर द हायर अपलिफ्टमेंट, जिसको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कहते हैं. इट इज डेफिनेटली डेफिनेटली यूजफुल. ओके यस चले. अभी लोग बहुत सारे आप अभ्यास बोलने के बाद मिले हैं हम. मैं आज खास करके रिलेशनशिप ऊपर कराऊंगा. किसको कुछ कहना है तो बताइए. रिलेशनशिप में सब लूंगा, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन्होंने शादी में धोखा खाया है, जिनकी शादी टूट गई है, या फिर यस शिवान बोलो, कुछ बोलना है आपको? नो सर. या फिर मेरा ब्रेकअप हुआ है, तलाक हुआ है, या आज भी मेरा हस्बैंड के साथ कई सारी इश्यूज पर रिजेंटमेंट्स रहते हैं, ही ऑलवेज कीप्स ऑन ह्यूमिलेटिंग मी, बहुत सारे प्रॉब्लम, तो हम आज सब एक एक करके लेंगे. राइट. तो सबसे पहले पहले मैं आपको बता रहा हूं कि निक ऑटनर ईएफटी के वर्ल्ड रेनाउंड ट्रेनर है, जिनकी कॉन्फ्रेंसेस साल में एक बार समिट होते हैं, उसको समिट बोलते हैं. पूरी दुनिया के ईएफटी ट्रेनर्स वहां पर आते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं. निक ऑटनर को भी कुछ प्रॉब्लम था लाइफ में, पहले कहीं से उन्होंने कुछ धोखा खाया था और उनकी जो बहन थी जेसिका ऑटनर, बहन है राइट, वो है ना, क्या करते थे, उनकी एक सहेली थी, 10 साल से उनका अट्रैक्शन उसकी तरफ था बराबर, लेकिन उनको क्या लगता था कि मेरी 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 बहन की बेस्ट फ्रेंड है, क्या उसके साथ ही मैं डेटिंग करूंगा क्या, ऐसा करके करके उनकी उम्र बढ़ती चली ना, ब्रेना उनका नाम था, ब्रेना, तो है ना, उन्होंने कहा कि आप पूछो अपनी सहेली को कि आप शादीशुदा हैं क्या. तो निक ऑटनर ने पूछा उनको, उन्होंने बताया कि नहीं वो तो शादीशुदा नहीं है, तो उनको पूछा कि क्या मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ या संबंध जोड़ सकता हूँ. तो फिर ना दोनों की मुलाकात हुई. मुलाकात में ब्रेना जो उनकी आज बीवी है, उनका बच्चा भी है, आप अगर टाइप करोगे ना ब्रेना ऑटनर, तो आपको उसके निक ऑटनर और ब्रेना के फोटोग्राफी मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे के साथ भी है. तो है ना, दोनों को दोनों कंफर्टेबल नहीं थे गोइंग फॉर द डेटिंग, नए रिलेशनशिप को बनाने के लिए. अब ईएफटी के मास्टर हैं ये, तो ग्रैंड मास्टर है राधर निक ऑटनर, तो इन्होंने है ना मुलाकात की उनसे, ब्रेना से, अब तो उनकी शादी नहीं हुई थी, तो ब्रेना को कहा कि क्या आप मेरे साथ संबंध में जुड़ना चाहोगी. उसने कहा कि मैं इतना धोखा खाई हुई हूँ अपने लाइफ में कि मैं समझ नहीं सकती कि मैं कभी डेटिंग के लिए जा सकती हूँ, फिर से अपने लाइफ को बसाना चाहती हूँ. उसने कहा कि मैं ईएफटी का ट्रेनर हूँ और मेरे भी मन में कुछ ऐसे बातें हैं जिसमें मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर द डेटिंग, अब नए संबंध को जोड़ने के लिए, जीवन साथी के लिए. तो फिर उन्होंने है ना क्या किया, उसको ईएफटी करवाया ब्रेना को, और उसको पूछा कि तेरे को कहाँ से तकलीफ है, कौन से साथी से तूने रिश्ता जोड़ा था और आपको कहाँ तकलीफ हुई है, एक एक बात करके है ना उसको ईएफटी करके उसके साथ उसने सारे उसको जो ग्रीवेंसेस थे वो निकाले, और फिर उन्होंने अपने ऊपर भी ईएफटी करके उनके जो तकलीफें थी वो भी निकाली बाहर. उसके बाद में देखो क्या होता है, ईएफटी है ना, इट वर्क्स ऑन एवरीथिंग, जहाँ कुछ भी काम नहीं करता है ना, कुछ भी काम नहीं करता, ईएफटी डेफिनेटली काम करती है, इस बात को मैंने आपको हमेशा ही बताया है. तो उसके बाद में कॉग्निटिव शिफ्ट होता है, कॉग्निटिव शिफ्ट, तो बता सकते मुझे क्या होता है, कॉग्निटिव थेरापी है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इन द मॉडर्न साइकोलॉजी इज ईएफटी. कॉग्निटिव शिफ्ट मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक बदलाव, कोई बता सकता क्या होता है? यस प्लीज, परसेप्शन चेंज, वेरी राइट यू आर प्रिया, परसेप्शन चेंज, नजरिया, मैं किसी बात को कैसे देख रहा हूं है ना. मेडिटेशन क्या करता है, आपके नजरिए को बदल देता है, तो नजारे बदली हो जाते हैं, है ना. मेडिटेशन मेरी जिंदगी में इतना अहम रोल खेला है ना, मैं आज भी अगर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाए बैठा हूं
तो उसका कारण मेरा मेडिटेशन है। व्यक्ति बदलता नहीं है, बदलना हमको पड़ता है। हम परिस्थिति के ऊपर जब तक नहीं आएंगे, परिस्थिति छोटी नहीं होती है। आज भी सुख शांति से चल रहा है जीवन, इसका ये मतलब नहीं कि पार्टनर बिल्कुल बदल गया है या वो 100% प्योरिटी से चल रहा है। समवेयर यू टू एडजस्ट एंड एक्सेप्ट एंड बी नॉन जजमेंटल। तो वही कॉग्निटिव शिफ्ट मतलब चेंज ऑफ परसेप्शन। अभी समझो उनकी जो ब्रेना जो बीवी है निक कॉटनर की, ग्रेट ट्रेनर, तो उसको क्या लगता था कि मर्द हमारे देखो तो तीन चीजें होती हैं। जब हमारे जीवन का दुख कम नहीं होता है ना, जब हम अपने सोच को पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं, राइट, तीन बातें होती है। क्या होता है ईएफटी से, हम क्या क्या चेंज करते हैं, कोई बोलो। प्रिया कैन यू से व्हाट वी चेंज विद ईएफटी? प्रिया आर यू देयर टुडे इन द क्लास? प्रिया ओपन करो, टेल मी हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं ईएफटी से। ओम शांति सर। ओम शांति। वी कैन चेंज द परसेप्शन, कॉग्निटिव शिफ्ट, दैट इज हम बॉडी वाइटल्स चेंज कर सकते हैं हमारे, एंड हमारे बिलीफ सिस्टम हम लोग चेंज कर सकते हैं। वेरी ट्रू। अच्छा, और तीसरा एक है थॉट्स, दूसरा बिलीफ, और तीसरा क्या है, तीसरा थर्ड इज इमोशन हमारे अंदर क्या करते हैं, बॉडी में एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, है ना। प्रिया जी हमारे साथ दो दिन बाद जुड़ी हुई है, शी इज ऑल्सो लर्न ईएफटी, ये वो करती भी है, करवाती भी है, और इन्होंने क्वालिफाइड टीचर के साथ कितना लेवल किया आपने प्रिया? सर आई एम डन विद फर्स्ट एंड सेकंड लेवल, लाइक ऑन इंटरनेशनल लेवल, एंड नाउ आई एम प्लानिंग मैट्रिक्स, लाइक उसमें चाइल्डहुड ट्रॉमास का जो स्पेशलाइजेशन है दैट आई एम गोइंग फॉर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हां जी हां जी। तो तीन चीजें ईएफ से फायदा तो बहुत हुआ है, लेकिन चक्कर आते थे। कौन लिखा है ये? सी पहले इसको लेट मी कंप्लीट। हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ्स और हमारे इमोशंस हर एरिया में हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी को आने से रोकते हैं। वी गेट स्टक अप टोटली, शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, संबंधों में टकराव बना रहता है, गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, परफॉर्मेंस लो हो जाता है, कहीं भी हम सफलता नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं। मीन्स देर इज सर्टेन थिंग हैपेंड इन द पास्ट या करंट लाइफ में है ना, जो हुई हमारे साथ में, उसको हम लेकर फिर ये करते हैं। ईएफटी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप के सामने कोई प्रैक्टिशनर नहीं है और आप किसी भी इश्यू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके लाइफ के जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, जो स्टोरी के रूप में होते हैं, ये क्या करना चाहिए अकेला, जब टीचर आपके साथ में नहीं है, प्रैक्टिशनर नहीं है, क्या कर सकते हैं आप, कोई बताएगा मुझे? हाउ यू कैन वर्क ऑन ईएफटी विथ योर वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग स्टोरी, पेनफुल स्टोरी, डिस्ट्रेसिंग इवेंट, कैसे करना चाहिए बताओ। यस प्लीज, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। यस बताओ कोई भी मुझे, एनीबडी, यस कंचन परब, कैन यू रिप्लाई मी दिस क्वेश्चन? Yes, Priya, can you reply me for this? You got a very, very distressing memory, event or the story, and trainer is not with you. What one has to do while telling that story or remembering those events, distressing events or painful events? What, how to tell the story or make that movie in your mind or tell this? You can say that, mean that even your jo baatein hamare life mein बहुत ज्यादा परेशान कर रही है हमको, उस समय क्या करते हैं हम अपनी स्टोरी को बोलते हैं? सपोज यू आर अलोन, व्हाट वी डू? सो कंटीन्यूअस टैपिंग विद मूवी टेक्निक वी कैन डू। यस, मूवी टेक्निक, या फिर जस्ट सिंपली आप है ना, क्या कहो, अपने जो है ना फ्रेजेस होते हैं ना, फ्रेजेस जहां पर हम ऑटो पॉइंट यूज करते हैं, सिंपली आपके मन में जो भी विचार आ रहा है ना, जस्ट थिंक ऑफ दैट एंड कीप ऑन टैपिंग। वो मुझे बहुत परेशान करता है, उसमें जीवन दी, उसमें जिंदगी बच्चे बदतर कर दिया है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, इनफ इज इनफ, मैं बच्चे की वजह से रही पड़ी हूँ मजबूरी में, ऐसा वैसा जो भी आपकी स्टोरी है ना, कब अलग हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, या आप दूसरी डेटिंग के लिए डर रहे हैं, जिंदगी फिर से बसाने के लिए
आप तैयार नहीं है. द सेम थिंग यू कैन डू बाय सेइंग द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, व्हाट वर द इमोशंस क्रिएटेड. ऐसे करके अगर समझो स्टोरी बतानी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ सिंपल स्टोरी आपके आपके व्यथाओं की, जिसको हम आज हम रिलेशनशिप में ले रहे हैं, तो मैं आपको कराता हूँ. चलो सभी, सिर्फ सिंपली क्या करना है, स्टोरी बताने के समय आप ना कोई भी पॉइंट पर टैप कर सकते हैं, यहाँ भी टैप कर सकते हैं, पॉइंट पर ऑड पॉइंट पर. चलो सभी पानी पिए थोड़ा, बेटर एक्सप्लेन यू. यस, यहाँ पे टैपिंग करो. ये मेरी जिंदगी की, ये मेरी जिंदगी की वो दर्दनाक कहानी है, वो दर्दनाक कहानी है. मैं किसको कहूँ, किसको कहूँ, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने कभी अपनी जिंदगी में रिलैक्सेशन नहीं देखा है. बचपन में माँ बाप के आपसी झगड़े, बचपन माँ बाप के झगड़े, मनमुटाव, टकराव, न जाने कौन कौन से ऐसे नेगेटिव विचार Negative. मेरे साथ चलते आए हैं, मेरे साथ वो अनकॉन्शियसली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स बनकर रह गए हैं और मैं चाहते हुए भी अपने करंट जिंदगी में आज की जिंदगी में भी मैं अपने संबंधों में वो सख नहीं पा सकी हूँ जो मैं पाना चाहती हूँ. मैं जानता हूँ कि जब तक मैंने संबंधों को लेकर उन विचारों को टैप आउट नहीं किया है, जब तक मैं उन सभी लोगों को क्षमा नहीं कर पाती हूँ जो मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी संबंध में परेशानी का सबब बने रहे. I'm carrying all that baggage. ऐसा बोझ मेरे मन पर हावी हो गया है कि मैं आज के संबंध को भी पूरी तरह जी नहीं पाता हूँ. राइट, अभी है ना, लंबी गहरी सांस लो, थोड़ो सांस को बाहर. देखो, जब तक हम EFT से लेट गो, जाने दो. लेट गो मतलब क्या होता है आध्यात्मिक भाषा में, लेट गो को क्या कहते हैं? एनीबडी प्लीज टेल मी. लेट गो, जाने दो, छोड़ दो, उसको माफ कर दो, उसे पंगा मत लो. Forgiveness is the healing. Forgiveness is the forgive to pratihara sir. To ease और फिर to move on. अभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टक अप है लाइफ कहीं ना संबंधों में, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, बच्चे मानते नहीं, पति के साथ जमती नहीं है, जो पुराने घर में देख के आए वही सब बातें हमारे अंदर, जो जनरेशन से देखते आए हैं वो सब अंदर जो है पूरी की पूरी दबी हुई है. अभी समझो किसी को है ना
पति को लेकर बहुत ज्यादा दुख है, सैडनेस है, राइट? अगर आप टैपिंग करोगे ना सैडनेस को लेकर, तो सैडनेस को लेकर टैपिंग, चलो मैं सैडनेस को टैपिंग करा ही देता हूं मैं, चलो सभी यहाँ पे आओ। ये सैडनेस मुझे संबंध से जो मिली है, मैं कभी उससे बाहर नहीं आ पाई हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। दिस सैडनेस विच गॉट मी स्टक अप, एक ऐसे बोझ के नीचे मैं दब गई हूँ, उससे चाहते हुए भी बाहर नहीं आ पा रही हूँ, बाहर नहीं आ पाती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, राइट? मैं अपने अपने इस संबंध को लेकर बहुत दुखी हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, राइट? अभी आप क्या करो, जो जो आपको संबंध में जो तकलीफ है ना, सैडनेस को लेकर या अनीज लेकर, उसको लेकर टैपिंग करो, एक राउंड टैपिंग करो सभी, प्लीज एक राउंड पूरा टैपिंग करो, अपने आप साइलेंट में जाके टैपिंग। यस, पूरा एक राउंड कंप्लीट करो, व्हाट आर थॉट्स उस रिलेशनशिप में आपको आ रहे हैं, जस्ट थिंक ऑफ दोज थॉट्स एंड कीप ऑन टैपिंग, राइट? अभी सैडनेस को लेकर टैपिंग किया, अब और कोई इमोशन ऊपर उभर कर आया है क्या, मतलब टेल मी एनी अदर इमोशन, मे बी अब एंगर। कई बार क्या लोग बहुत ज्यादा नाराज होते हैं परेशान होते हैं व्यक्ति को लेकर ना, बाद में जब वो एंगर एक्युमुलेट अंदर हो जाता है, अंदर ना दुख का रूप ले लेता है वो। सैडनेस इज द इमोशन वन एक्सपीरियंसेस, लेकिन जब टैपिंग कराया जाए तो उसके प्रति तो एंगर आल्सो कम्स आउट, रिजेक्शन को लेकर। हाँ, रिजेक्शन, हाँ, वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। सी, शी हैज गॉट द फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, आई वॉज अबंडन्ड, आई वॉज रिजेक्टेड, आई वॉज नॉट गिवन प्रॉपर रिस्पॉन्स, तो फिर उसको लेकर टैपिंग करो। हाउ टू गो अबाउट, आई एम टेलिंग यू, बेसिकली पहले क्या करो आप, है ना, जो भी रिलेशनशिप में आप देखो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपकी शादी टूट गई है, जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है ना, कि मेरे पास तो बच्चा है, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट फेयर इनफ, या फिर आई एम नॉट रिच, आई एम वेरी पुअर, ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। वो देखो, निक कॉटनर ने जब ब्रेना के साथ में EFT उनको कराई और खुद भी किए ना, तो उसके अंदर एक कॉग्निटिव शिफ्ट आ गया कि नहीं, जिंदगी में आज भी अच्छे लोग हैं, इतने सारे लोग सुखी भी तो हैं जिंदगी में, मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ कि अभी मेरी बहन एक रहती है, उनकी दोनों बच्चियों ने डिसाइड करके रखा था हम शादी नहीं करेंगे, मेरी बहन ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत ज्यादा, अभी दोनों बच्चियां बड़ी हैं, एक डायटिशियन है और दूसरी भी कंप्यूटर की मतलब ग्रेजुएट है, दोनों ने फाइनल किया कि हम शादी नहीं करेंगे, माँ के साथ ही रहेंगे, शादी की में मेरी माँ को क्या सुख मिला। अभी है ना, मेरा जीजा जी पूरी तरह चेंज हो गया, वो करीबन 2 साल से कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाते हैं, वो लोग मथुरा गए हुए हैं, आज भी मथुरा गए हुए हैं चारों, दोनों बच्चे और वो, लेकिन अगर उनको भी टैपिंग कराया जाए ना, उन बेटियों को, उन बच्चियों को, कि भाई क्यों नहीं शादी करना चाहते हैं, लिमिटिंग बिलीफ उनके अंदर है ना, तो देखें उनके अंदर कॉग्निटिव शिफ्ट, मतलब अब वो अपने विजन को देखते हैं कि नहीं, लोग दुनिया में बहुत सुख देने वाले भी पड़े हैं, पीपल आर रियली इंटरेस्टिंग, किसी को डे देना, किसी के लिए अपने शोहर को देखना या जिंदगी बसर करने के लिए, दे कैन रियली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जाकर कर सकते हैं वो,
EFT is such a beautiful technique na, which removes all the blockages. Say, abhi Bhavana bhai ne bataya ke rejection ki feeling aayi, kisi ko anger ki feeling aati hai, usko lekar tapping karna hota hai. To Nick Ortner baad mein fir unke sab ye jo tapping karaya Brenna ko, aaj unki biwi hai aur bahut sukhi zindagi mein hai, unko bachcha bhi hua hai. और उसके पूरी जो ब्रेना को जो मेंटल ब्लॉकेजेस था ना, के पिछले साथी से या पिछले रिलेशनशिप में उनको जो दुख मिला था, मैंने बताया मैंने एक केस लिया था रिलेशनशिप के ऊपर, एमिली बहन का, वहां से अगरतला से. तो उन्होंने कहा कि मुझे मरना है, आई वांट टू गिव माय लाइफ, आप क्या कर सकते. मैंने कहा ठीक, आप मेरा वीडियो देखो और फिर मेरे को फोन करो. आपको 9:05 को उनका फोन आया, 9:55 तक उनके मैंने सारे इश्यूज खलास कर दिए. 7 साल तक रिलेशनशिप चला उनका उस आदमी के, उस व्यक्ति के साथ में, उसने दूसरी शादी कर ली. मैंने उसको एक ही सेटिंग में उनके सारे जो एस्पेक्ट थे क्लियर करवा दिए और उन्होंने कहा कि लाइफ इज ट्रूली ब्यूटीफुल, आई वांट टू लिव द लाइफ अगेन, आई वांट टू रियली गेट सम गुड कंपेनियन इन माय लाइफ. तो ये जो निक ऑर्टनर आज जिनके साथ रहते हैं, ब्रेनी ऑर्टनर उनका नाम है, अब अगर चाहे टैपिंग भी करोगे ना ब्रेनी ऑर्टनर, ऑटोमेटिकली उनका फोटो आप देख सकते हैं. अगर उनकी भी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल क्लियर हुए तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ईएफटी. ईएफटी में जो पेरेंट्स के यहाँ से जो बैगेज हम लेकर आए हैं कि मुझे बचपन में कभी प्यार नहीं मिला, राइट, वहां प्यार की कमी है. तो कहीं ना कहीं वो प्यार जो मेरी लाइफ में मैंने बचपन में खोया है, आज भी मेरे लाइफ में मेरे अंदर वो एक लिमिटिंग बिलीफ बैठा है कि आई लैक लव, मेरी जिंदगी में मुझे प्यार मिला ही नहीं है. तो अगर प्यार को लेकर, अपने पेरेंट्स को भी लेकर आप टैपिंग करोगे ना, क्योंकि बैगेज कई बार पेरेंट्स से भी आता है जो प्रेजेंट लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है डिसीजन के रूप में. तो है ना, आज मैं बताऊंगा आपको कि आई एम वेरी मच एम्बरास्ड लुकिंग एट द मेकिंग अनदर रिलेशनशिप, या आई गेट ह्यूमिलिएटेड ऑल द टाइम, माय हस्बैंड ह्यूमिलिएट्स मी, मतलब मेरी बेइज्जती करता है. बहुत सारे पति पत्नी के बीच में ये जो होता है ना कि ह्यूमिलिएशन, मतलब आई एम नेवर रिस्पेक्टेड, आई एम नेवर रिगार्डेड, आई एम ऑलवेज रिजेक्टेड, आई एम अबैंडन्ड. तो उनको लेकर अगर टैपिंग करोगे रिलेशनशिप जो है वो काफी अच्छा हो जाता है. तो हम एक जनरल में करेंगे हम कि यहाँ पे संबंध को लेकर. चलो मेरे साथ में फिर से पानी पियो, टेक वाटर, वी डू वन जनरल टैपिंग फॉर रिलेशनशिप. मैं इस जिंदगी में इस वक्त जो रिश्ता मुझे बहुत ज्यादा दुख दे रहा है. I'm not in harmony at all. मैं बहुत ज्यादा इस जिंदगी से संबंध में चुकी हूँ. फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ. इवन दो आई फील एब्सोल्युटली लॉस्ट एंड डिप्लेटेड इन दिस रिलेशनशिप, डिस्पाइट इट आई टोटली एंड डीपली जिंदगी कोल्हू की बैल की तरह चलती तो चली जा रही है लेकिन वो संबंध का लुत्फ मैं नहीं ले पा रहा हूँ. फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ. रिलेशनशिप हमेशा ही सहयोग सुख समाया हुआ है
लेकिन न जाने लेकिन मेरे अंदर मेरे अंदर जो कुछ विचार हैं जो कुछ विचार हैं कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हैं कुछ ऐसे अनुभव हैं चाहे इस रिलेशनशिप में चाहे इस रिलेशनशिप में या इसके पहले चाहे वो बचपन हो चाहे उन रिलेशनशिप में मैं कभी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं समझ सकी I can't understand why I can't trust man. All those negative experiences, events, and beliefs, are breaking me up. EFT. निश्चित ही. मुझे हर उस event में, हर उस thought को, belief को. और इमोशंस को टैप करके बाहर निकालना होगा उस वेदना को उस पीड़ा को ताकि मेरी सोच बदल सके I can have fun And interest other people. चाहे मेरी परिस्थिति जो भी हो मेरे अपने जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ मेरे साथ बच्चा है मुझे जिंदगी में अभी भी वो नहीं मिल पाया जो मैं चाहती थी। ऐसे अपने आप को आप टैपिंग करते जाओगे ना तो हो सकता है कि लॉट ऑफ टीयर्स कैन कम आउट वो टीयर्स आते हैं आंसू बहते हैं तो वो भी उसके इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं एंड यू कैन रिलीज और जैसे आप करते जाओगे ना तो हल्कापन जो है आपका आता चला जाएगा और इस तरह है ना अगर कुछ फियर्स हैं डर हैं पति मारता था पति पैसे नहीं देता था पति ने कभी अपने बच्चों को अपना नहीं समझा राइट जो भी लिमिटिंग बिलीव हम कैरी करते हैं अपने पास में ओल्ड हर्ट्स हैं फियर्स हैं या फिर पेन है सफरिंग है या पुरानी ऐसी स्मृतियां हैं जो मुझे पुरानी मतलब मे बी अ डे अर्लियर मे बी इन द लास्ट डिकेड द लास्ट ईयर दैट ऑल हैज टू बी टैप डाउन धीरे धीरे टैपिंग करते 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 आप देखो आप करना खुद ही अकेले में जो जो आपके साथ मतलब रिलेशनशिप में पीड़ाएं है ना आप है ना ऐसे उभर कर आते हैं एक 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 जैसे इमोशन मैंने बताया ऐसे विचार उभर कर आएंगे ऐसे इमोशंस उभर कर आएंगे और ऐसे ही बिलीफ हमारे जो है एक एक बिलीफ को आप सेपरेटली ले सकते हैं राइट अभी मेरा बिलीफ क्या है मेरी माँ ने क्या सुख पाया जो मैं शादी करके सुख पाऊंगी लिमिटिंग बिलीफ है ये है ना तो उसको लेकर सेपरेट टैपिंग करना चाहिए एक बिलीफ है कि मर्द लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं औरतों को हमेशा दबा कर रखते हैं ऐसा थोड़ी है ऐसा नहीं है अगर देखो मैं आपको एक बात जानता हूं मैंने मेरी भी जिंदगी पूरी तरह 32 साल पहले आई वुड हैव बीन डाइवर्स आज मैं संभला हुआ हूं तो ओनली बिकॉज ऑफ राजयोग मेडिटेशन आज भी मैं एक ही बात जानता हूं कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार गलत करे मुझे अपने व्यवहार को सही रखना है दैट कैन बी अ लेसन टू द अपोनेंट एंड दैट ओनली कैन क्रिएट द थिंग विच आई वॉन्ट क्योंकि जो मैंने दिया है ना वही वापस लौट कर आएगा नफरत दिए तो नफरत आएगी ईर्ष्या की तो ईर्ष्या आएगी है ना जैसे अपने को जैसे
जो है ना रिलेशनशिप में हमेशा ही देना होता है, देना, गिविंग 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 गिविंग। कितना भी कोई व्यक्ति कठोर कठोर होगा ना, ये अपने संस्कारों का वशीभूत है या अपने स्वभाव के वशीभूत है या फिर अपने जो है संघ के वशीभूत है, जो संघ रखता है, तो फिर क्या करना चाहिए। ओनली थिंग विच कैन चेंज, पहले पहले तो है ना, जब तक आपने अपने स्टफ को क्लियर नहीं किया है, एक बेचैन मन, एक व्याकुल मन, एक उखड़ा हुआ मन कभी भी अपनी जिंदगी में अच्छा नहीं देख पाएगा। यू टेक इट ग्रांटेड स्वामी, मौत आ जाएगी आपके, लेकिन अच्छा ही नहीं आएगी। यू हैव टू टेप आउट एवरी सिंगल थिंग इन दैट रिलेशनशिप। हम तो मेडिटेशन करते हैं, EFT करने की मुझे तो जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि हम रोज मेडिटेशन करते हैं, डेली सत्संग सुनते हैं। जैसे हमारी जो सोच है ना, वो कौन सी हो गई है कि हम दूसरों को हमेशा ही रहम की भावना से, कल्याण की भावना से, शुभ भावना से और शुभ कामना से देखते हैं हमेशा ही। और अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपको किसका प्यार मिलता है, किसका प्यार मिलता है बताओ? परमात्मा का, भगवान का प्यार मिलता है। लेट गो मतलब लेट गॉड, लेट गो जाने दो, मतलब भगवान आपके आगे मदद करने को आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हमने भगवान की किसी भी क्रिएशन को, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे माँ है, चाहे बच्चा है, राइट, अगर उनसे अनकंडीशनल प्यार नहीं किया है ना, इफ यू हैरास देम, हमारे अंदर ईर्ष्या है, उसके प्रति नफरत है, दुर्भावना है, तो फिर आपको जो मदद ऊपर से आती है, यूनिवर्स से आती है, जिसको गॉड भी कहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। संबंधों में अगर आप जीना चाहते हैं ना, आज हम दोनों मियां बीवी इस घर में, हमारी बहू है, बेटा है, कल हमारे पास गणपति का विसर्जन हुआ है, फोटो मैंने शेयर करना है, एक्चुअली मुझे भूल गया है, लड़के ने अपने मोबाइल से एक फोटो भी निकाला, हमारी फैमिली को देखना, व्हाट अ लवली फैमिली वी हैव, ऑल फोर ऑफ अस, वो फोटो में है, वीडियो भी निकाला है, मैं अभी आज आएगा लड़का तो शेयर कर दूंगा, मैं कल से, मुझे टाइम नहीं मिला है। अब देख Why it is so? It is only because we both parents are of giving nature. We give them love, caring, concern, cooperation, appreciation, gratitude, acceptance, non-judgmental, and last mein kya aata hai, very, very important is no expectation. No expectation. लेकिन भाई जी ना, लेकिन भाई जी कभी कभी ऐसा होता है, पहले तो हैप्पी टीचर्स डे आपको, आपको थैंक यू भाई जी ना, ये कभी कभी फिर भी ऐसा होता है कि किसी किसी रिलेशनशिप में कोई कोई बंदा ऐसा होता है कि हम चाह कर भी ना कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आती, मतलब बहुत कोशिश करते फिर भी नहीं हो पाता उसके संग रिलेशनशिप, नहीं हो पाता, इसका मतलब यू आर स्टिल नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप जिस पर काम कर रहे हैं अपने ऊपर, वो कम है। मेडिटेशन के डोज को बढ़ाओ, EFT हर छोटे छोटे इश्यूज को लेकर करो, है ना। जब तक आपके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की, करुणा की, दया की, क्षमा की भावना नहीं आएगी ना, तो सबके लिए आती, लेकिन सबके लिए आती, किसी एक पर्टिकुलर एक दो बंदे कुछ ऐसे हैं जब ऐसा लगता है कि वहां भावना जा ही नहीं पाती है। और तो ड्रामा का हर सीन साक्षी होकर देखो, बी ए पैसिव वॉचर, वहां से अगर पीड़ा ज्यादा आती है, दैट मीन्स यू आर रिएक्टिंग इन दैट रिलेशनशिप, एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज नॉट इन योर अकाउंट, क्योंकि जो गया है ना वही तो लौट कर आ रहा है ना, उसका तो अकाउंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी भी जिंदगी आसान नहीं थी, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। अगर मैं छोड़ दूं राजयोग मेडिटेशन को, मैं छोड़ दूं ब्रह्मकुमारीज को, मैं वापस धरातल में चला जाऊंगा। जो पावर मिलता है, जो समझ आती है, वो वी गेट कनेक्टेड टू द पावर ऑफ नॉलेज which gives a divine intellect and the power of meditation, which really, हम मैंने बताया ना पहले भी आपको, meditation जो रोज करता है ना, पांच उसके, मैं हमेशा बताता हूँ अपने lectures में, to heal, any healing if you need, meditation is the number one alternate therapy, number two to ease, हल्केपन को चाहते हैं, कोई भी बोझ है, पहले मैंने कहा दशक का, तीसरा है to solve, कोई भी problem है उसको solve करने के लिए, जो है आपको अंतर्मन से आवाज आती है मेडिटेशन में। चौथा टू रिजॉल्व द इश्यू, रिजॉल्व मतलब कंफ्लिक्ट को खत्म कर देना, इसको छोड़ दो। मैंने अभी इन दिनों में जो किया है,
40 साल में नहीं कर पाया हूं मैं, 40 years I could not do, because of fear, कि कहीं रिलेशनशिप खराब ना हो जाए मेरा उनके साथ में. अभी मैं बिल्कुल सत्य पे टिका हुआ हूँ. I will take the guide, taking the guidance from center also. उन्होंने भी कहा कि enough is enough, आपने अब बहुत झुके हैं, अब आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है. और मैं देख रहा हूँ कि विजय लक्ष्मी 40 साल जो मैं नहीं कर पाया आज मैंने किया है. क्यों कर पाया हूँ कि मेरे पास सत्यता की शक्ति है, सत्यता के ये सभी है ना. अभी यस सभी बहुत लिख रहे हैं कि हैप्पी टीचर्स डे. सबकी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया. मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट इज अ रियल टीचर. आज जितना मैं योगा में सिखाऊं, प्राणायाम में सिखाऊं, माइंड पावर में सिखाऊं, ईएफटी में सिखाऊं, आप लोग सवाल पूछते हैं, मेरे पास केसेस लेकर आते हैं, केसेस बंद कर आते हैं. मैंने ईएफटी में जो इन दो महीनों में सीखा है, मैं शायद खुद पढ़ाई करके 6 साल में भी नहीं सीखा था. आज इन 2 महीनों में जो मैं सीख रहा हूँ और आगे चल के जो आपके साथ साथ मैं चलूंगा आगे ना, तो मैं समझता हूँ कि समिट में एक अपना ओहदा बनाकर आई कैन गो विथ सम ऑफ यू पीपल टू रिप्रेजेंट देयर इतने क्वार्टर, जो पूरी दुनिया के लोग अपने एग्जाम्पल लेकर आते हैं, जो हम भी. तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. स्टूडेंट इज ऑलवेज अ टीचर फॉर द टीचर. आपको सिखाते सिखाते हम सीखते हैं. विजयलक्ष्मी को मालूम है ना मैं कितने बार क्लास में कहता हूँ, ऑल द टाइम आई से. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. फिर हम मिलेंगे फ्राइडे को वापस रिलेशनशिप के ऊपर. आज मैंने बहुत जनरल बताया, आपने बहुत जनरल बताया, आपने अपने इश्यूज को लेकर टैपिंग करो, है ना सर. क्लास डेली लीजिए. सीखा मैं आगे आऊंगा, थोड़ा भी मुझे फैक्ट्री को सेटल करने दो. I'll come back to you. सर अच्छा नहीं लगता इतने दिनों से, अच्छा नहीं लगता. अच्छा अभी अभी हमारे घर में गणपति है, रात रात को 11:30-11:30 तक मेहमान लोग रहते हैं. मैं तो इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ. मैं पूजा में बिल्कुल हूँ ही नहीं. मुझे आरती करना भी मुझे एक्चुअली कंटाड़ा आता है, पर साथ में रहना होता है. मैं तो चाहता हूँ मेडिटेशन जाके करूँ. मैं शाम का भी योग नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन सेंटर पे डेली जाता हूँ. वहां भी जाके आधा घंटा सुबह मेडिटेशन करता हूँ. मैंने नियम बांध दिया है कि संसार में जितनी तकलीफें बड़ी है, मैं पहले 1 दिन जाता था, 2 दिन जाता था. अभी मैंने पिछले 1 हफ्ते से पूरा हर दिन जाना चालू किया और क्लास में नंबर 1 में जाता हूँ मेडिटेशन के समय. बिफोर मुरली मेडिटेशन होती है, मेरा घंटी बजता है तो गेट खुलता है सेंटर का. नंबर 1 टू रीच देयर. बिल्कुल आधा घंटा पूरा बिल्कुल डीप मैं मेडिटेशन करता हूँ, फिर बाबा की मुरली सुनकर फिर घर में आता हूँ. तो आज 6वां दिन है. मैंने देखा है कि द रियल पावर लाइज इन स्पिरिचुअलिटी, गिविंग द टाइम टू फॉर यू अपलिफ्टमेंट. उससे क्या है, जिंदगी बहुत ही आसान होती चली जाती है. मैं आपको बताऊं, मैंने 40 सालों में जो मैं नहीं कर सका, मैंने इस साल किया है. क्या किया वो बताने लायक नहीं है, पर आई हैव शोन इट जस्ट टू लेट अदर्स नो कि आई एम राइट, आई वाज नेवर रॉन्ग. ठीक है, वो सब बल कहाँ से मिलता है, वो सब साधना का है वो. ठीक है, वी विल सी यू ऑन फ्राइडे. ओम शांति. ओम शांति. पूरे गुरु की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे. और बहुत शांति.